तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपटलाल भिड़े के घर से मिल जाता है और इंस्पेक्टर चालू पांडे पोपटलाल को पकड़कर जेल ले जा रहे होते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं समाग्राम। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो में बने रहे एंड तक। इंस्पेक्टर चालू पांडे सोसाइटी कंपाउंड तक पोपटलाल को ले आते हैं और भिड़े गुस्से में पोपटलाल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर चालू पांडे उसे रोकते हैं। तभी पोपटलाल और भिड़े में गर्मा गर्मी बहुत बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे को गलत ठहराने में लगे होते हैं। बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों अपने आप में से बाहर हो जाते हैं। चालू पांडे कहते हैं कि मैंने एक शिक्षक को इतने हिंसात्मक रूप में पहली बार देखा है। बाकी सोसाइटी मेंबर्स मेहता साहब, हाथी भाई, अय्यर भाई, सोडी सब भिड़े को समझाने में लगे होते हैं। फिर पोपटलाल सभी सोसाइटी की बहनों से पूछता है कि आप लोग बताओ, मैं स्त्रियों का सम्मान नहीं करता क्या? फिर सोसाइटी की सारी बहनें बोलती हैं, ऐसा नहीं है पोपटलाल भाई, सभी स्त्रियों का सम्मान आप करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। फिर इंस्पेक्टर चालू पांडे कहते हैं, मेरे सामने बोलने से कुछ नहीं होगा, ये कोर्ट में बोलना पड़ेगा। भिड़े को सब कंप्लेन वापस लेने को बोलते हैं तो इंस्पेक्टर चालू पांडे कहते हैं कि फिर मैं मास्टर जी भिड़े को हवालात ले जाऊंगा, क्योंकि उनसे मेरी पहले ही डील हो चुकी है। तो भिड़े मना कर देता है कि मैं कंप्लेन वापस नहीं लेने वाला। फिर पोपटलाल कहता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा भिड़े, तू मेरे साथ फिर मेरे से शादी कौन करेगा, मैं तो आजीवन कुंवारा रह जाऊंगा। पोपटलाल को इंस्पेक्टर चालू पांडे हाथों में हथकड़ी पहनाकर जीप में डाल देते हैं। पोपटलाल फिर बोलता है कि अभी भी वक्त है भिड़े, बचा ले मुझे, लेकिन भिड़े एक नहीं सुनता और इंस्पेक्टर चालू पांडे पोपटलाल को हवालात ले जाने लगते हैं। फिर बाकी सोसाइटी के मेंबर्स बड़े परेशान हो जाते हैं। पोपटलाल को हवालात ले जाने इंस्पेक्टर चालू पांडे निकल पड़ते हैं। फिर अचानक से इंस्पेक्टर चालू पांडे की जीप वापस बैक सोसाइटी में आ जाती है। तब पता चलता है कि भिड़े के मामा गोकुलधाम सोसाइटी कंपाउंड आ गए हैं और विद्या जी भी साथ में हैं। उनके साथ गांव वाले और सरपंच भी आए हुए हैं। अब आगे दिखाया जाएगा कि भिड़े के मामा पोपटलाल से बात करना चाहते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर चालू पांडे मना करते हैं। तो सरपंच बोलते हैं कि इनकी बात तो सब सुनते हैं, आप नहीं सुनोगे क्या? तो चालू पांडे कहते हैं, हम भी लोगों की बात सुनते हैं, तो आप बात कर सकते हैं लेकिन दूर से कर सकते हैं। अब देखना होगा कि भिड़े के मामा पोपटलाल से क्या बात करते हैं। आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन पोपटलाल तो पूरी तरह से सब जगह से फंसता हुआ दिख रहा है। अब पोपटलाल के साथ क्या होगा देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहे। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग समाग्राम।